डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया कि लोग आपस में ऐसे हंसते खेलते हैं, मजाक करते हैं, वो चीज को ऑब्जर्व करके क्या उतारा है ये शब्दों में, क्या बात है। Hello guys, guys, we are back with another reaction video. इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं What Way Song by Diljit Dosanjh with Nimrit Khaira. लिरिक्स हैं अर्जेंटिलो जी के हम मतलब कह सकते हैं ताजे ताजे फैन बने हैं क्योंकि उनकी एल्बम सुनी हुई है और उनकी लिखनी के हम बिल्कुल फैन हो चुके हैं और अब तो पूरी तगड़ी टीम आई है दिलजीत दोसांझ फीचरिंग निमरत खैरा जी और इसमें म्यूजिक भी है देसी क्रू का और वीडियो है गाइस बलजीत देओ की। एक एक आर्टिस्ट बेस्ट अपनी जगह और वेट नहीं हो रहा, पहले ये गाना सुनते हैं। व्हाट वे तो हम पंजाबी में जैसे बोल सकते हैं ना की वे, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कोई हमें बुला रहा है तो बोल सकते हैं की वे, हाँ की वैसा ही, पर वो इंग्लिश टच दी है, देखते हैं। तू सच जानी सच मैं स्पीक दा I will die for you, nakhra. I will die for you. To tell a lie, cut away. You tell a lie, cut away. यार क्या कितना सही गाना है। और लोकेशन कितनी अच्छी थी ना, कुछ बादल आ रहे हैं। लोकेशन अभी दिख नहीं रही, अभी वो कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी है ना, सुनते हैं यार पहले। Listen ta kar tainu gall kehniya. Main dass vatt ve. Listen ta kar tainu gall kehniya. Main dass vatt ve. Bhai gaur tere naal laawa lehniya. क्या बोले यार इस गाने के बारे में, एक बहुत ही एंटरटेनिंग
बहुत ही हंसाने वाला, मूड इनलाइटन करने वाला, बिल्कुल। और मतलब अर्जुन ढिल्लों ने क्या सोच के गाना बनाया होगा ना, डेली लाइफ में हम जैसे बोलते हैं यू ने मी को, वो फन करते हैं, वही फन चीज इस गाने में दिखाई गई है। जैसे लिसन तक कर तू ऐसे बोला ना, तेलवे संगदे, जैसे पूरी लाइन बोलते हैं ना, पूरी लाइन बोलते हैं कि तू मेनू एक गल दस, तू मेनू नहीं, तू मेनू एक गल टेल, या दस दे कहने और टेल दे, है ना, वो एक एक वर्ड इंग्लिश का घुसाया हुआ बीच में, और जो एक्सेंट आ रहा है पंजाबी एक्सेंट, क्या बात है यार। और मैंने आज ही इन दोनों की निमृत खेरा और दिलजीत दोसांझ की इंस्टाग्राम पे देखा था, इन्होंने दोनों ने थोड़ी थोड़ी क्लिप डाली हुई थी सॉन्ग की, और नीचे लिखा हुआ था ये सॉन्ग आइलेट्स वाले बच्चे बच के रहना इस सॉन्ग से, क्योंकि उन्होंने तो इतनी हाई फाई इंग्लिश सीखनी होती है, तो इसमें तो पंजाबी के साथ रिमिक्स किया हुआ है, तो यार वो एक्सेंट बहुत क्यूट लग रहा था। और निमृत खेरा जी जैसे जवाब दे रहे थे, जो भी दिलजीत वाली बोल रहे थे वो जवाब दे रहे थे, मतलब एक क्यूट प्रपोज कर रहे थे उनको, निमृत खेरा जी को लड़का बहुत सही प्रपोज कर रहा था, लड़की जैसे वो थोड़े उसी स्टाइल में आंसर दे रही है लड़की, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना ना। वो चीज कितनी अच्छी लग रही है ना, हम बोलते हैं बाइगोट, वो बोल रहे हैं पाइगोट, पाइगोट बोलने से पहले भी पाइगोट। अब मुझे डाउट हो गया कि बाइगोड ही बोलते, हम तो जैसे बचपन से मुंह पे चढ़ा हुआ है बाइगोड बोल देते हैं, तो उन्होंने पाइगोड बोला। वो वही ना एक्सेंट आया पता, हाँ वो आया, हम तो ऐसे बोलते हैं बाइगोड, ठीक है, हाँ वो एक्सेंट आया, पर वो वर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे थे, टेल दे मैं सिंह दा तेरे वास्ते गाना, क्या बात है यार, बहुत बहुत अलग चीज लेके आया है यार, बहुत ज्यादा। और बीच में पता है ऐसे भी फील आ रही थी जैसे लाइव शो चल रहा हो, और एक लड़का और एक लड़की, मतलब दोनों आर्टिस्ट हैं, और उनका जो लाइव शो, पहले हम अखाड़ों में जैसे बातें करते थे कि तू मेनू ये कर दे, हाँ यार सही में एक मॉडर्न टच थी उस चीज को, बिल्कुल, जो इन दोनों के बोलने का स्टाइल था ना वो वैसा ही था, जैसे एक दूसरे को अखाड़ों में लाइव गा रहे हो वैसा था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वीडियो बहुत क्यूट थी, घर का ही सीन था एक बार बीच में, एक वो गार्डन वाली लोकेशन, गेस्ट हाउस था वहाँ पे दोनों जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे वो जो क्यूट सी कॉन्वर्सेशन चल रही है, नंबर तक टेल दे यार बात भी बहुत ही सही गाना आया, बिल्कुल जबरदस्त लवर्स के लिए, मतलब चाहे वो लाइफ पार्टनर्स मैरिड है अनमैरिड है, जितनी भी एज है कम एज है, सबके लिए शूट करेगा। और एक बात और, अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज है ना, तो ये सॉन्ग लगा दो, वो हंस पड़ेगा तभी के तभी। बहुत एक फनी राइड थी ये, तीन चार मिनट का गाना था, बिल्कुल। और अर्जुन ढिल्लों जी से हम क्या क्या सोचे हैं, अब क्या आएगा नेक्स्ट, क्या आएगा सच में, वर्सेटैलिटी यार सिंगिंग में वर्सेटैलिटी तो हम देख ही रहे हैं एल्बम में, ठीक है, और हम लिरिक्स में भी वर्सेटैलिटी देख रहे हैं, और ये एकदम डिफरेंट गाना जो अर्जुन ढिल्लों जी ने, वैसे ये ऐसा गाना तो कभी लिखा नहीं है, वो अपनी अपना हुनर अपना टैलेंट अपनी वर्सेटैलिटी दिखा रहे हैं हर सॉन्ग के साथ। निमृत खेरा जी के और सॉन्ग लिखे हुए हैं ना उन्होंने, अर्जुन ढिल्लों जी ने वो गाना लिखा हुआ है, रानी हार लिखा हुआ है, एक जान गाना है जो है ना, हाँ हमने जैसे रानी हार भी सुना हुआ है, जान सॉन्ग भी हमने रिएक्शन वीडियो भी बनाई थी जान सॉन्ग पे, तो और जान सॉन्ग में जैसे हम इनकी आवाज ले सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है निमृत खेरा जी की, तो इसमें जैसे वो बोल रहे हैं ना यार बहुत ही डिफरेंट बोल रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं यार, वैसे भी बहुत देखने में भी बहुत क्यूट है, आवाज बहुत प्यारी है, और क्या क्या बात है, मतलब अर्जुन ढिल्लों जी को भी फुल क्रेडिट, अभी दिमाग में वो ये गाना सुन के पहली बात तो अर्जुन ढिल्लों जी दिमाग में आ रहा है कि क्या कैसी कैसे सोच के उन्होंने ये लिखा होगा, डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया कि लोग आपस में ऐसे हंसते खेलते हैं मजाक करते हैं, वो चीज को ऑब्जर्व करके क्या उतारा है ये शब्दों में, क्या बात है। और आई थिंक मुझे लगता है निमृत खेरा और दिलजीत दोसांझ के पहले भी आए हुए हैं सॉन्ग, शायद एक गोट एल्बम में था, गोट में एक गाना था शायद, अच्छा आए हुए हैं, इतना इनको इकट्ठे सुना हुआ है, ठीक है, और अर्जुन ढिल्लों जी इस वे में नहीं सुना हुआ, ये बहुत बढ़िया नोकझोंक थी यार, ये नोकझोंक थी 90s टाइप की, थोड़ा मॉडर्न टच दिया हुआ था, बिल्कुल।
और जो लास्ट में दिलजीत दोसांझ जी ऐसे ऐसे करके शर्मा तो, है ना यार वो तो उनकी अदा ही मस्त है वो और एक वहां पे और जहाँ पे एक टाइम पे निमृत खैरा जी के हेयर में फ्लावर लगा रहे थे वहां पे भी कितना शर्मा रहे थे। क्या बात है, वो उनको मूवीज में भी देखा हुआ है, उनकी जो अदाएं हैं जो एक्टिंग है ना वो शर्माने वाली, वो मूवीज में भी बुक बुके वैसे बोलते हैं, वो चीज के तो फैन है। हाँ जैसे हमने लॉकडाउन में भी इनकी कुकिंग भी देखी थी जैसे, है ना क्या स्टाइल है उनका, हम वही वही चीजें इस गाने में लग रही है ना, वो जो कुकिंग करते थे पंजाबी में कर कुकिंग करते थे और बीच में इंग्लिश की इंग्लिश के वर्ड आते थे और पंजाबी एक्सेंट में, सेम चीज ये है। जैसे मुझे एक लाइन याद आ गई, इन्होंने बोला था हो ना पसीतांगे मिर्च इन द मिर्च, ऐसा कुछ बोला था। और ये शायद दिलजीत पाली ने ही सोचा हो कि ऐसा गाना लिखवाया हो, हो सकता है, पर टीम बहुत तगड़ी थी जेसी ग्रुप का, म्यूजिक म्यूजिक भी एक मतलब जैसे फनी एंटरटेनिंग सा म्यूजिक था कि साथ साथ वर्ड्स के बहुत अच्छा जा रहा था और बीच में आवाज आई थी बांसुरी की, बांसुरी फ्लूट की आवाज आई थी है ना। और बलजीत देव जी तो मास्टर हैं वीडियो बनाने में, ओवरऑल बहुत जबरदस्त गाना, बहुत बहुत फन राइड थी, फन राइड थी और ये चलेगा, ये सुपर सुपर डुपर हिट चलेगा। यस यस ठीक है, तो पार्टियों में भी चलने वाला है ये गाना, पार्टियों में चलेगा। तो गाइस हम तो नहीं चुप होएंगे क्योंकि दिलजीत पाली के बहुत बड़े फैन है हम, तो उनका जब भी गाना आता है फैन है, हम सबको हम सब पंजाबी आर्टिस्ट के फैन है सही बात बताएं तो, क्योंकि ध्यान से सुनो म्यूजिक लिरिक्स समझो तो फैन हो जाओगे है ना, तो ऐसे ही हम दिलजीत पाली के भी फैन है तो उनका गाना जब भी आता है तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो यही गाना आपके साथ सुना पहली बार दिलजीत पाली का, क्योंकि पिछले गानों मतलब पिछले जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनपे भी रिक्वेस्ट थी कि वीडियो बनाओ सजेशंस दे, पर काफी ऑलमोस्ट सारे गाने सुने हुए हैं, कुछ कुछ मिस हुए होंगे, पर अभी चलो लेटेस्ट गाना सुना आपके साथ, बहुत मजा आया। तो गाइस फिर करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे खत्म, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।